हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट्स की मीनिंग और इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है जैसे नाम बता रहा है कि मैनेजमेंट किस चीज़ की प्रोडक्शन की तो यहाँ पे क्या होता है जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं लाइक प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग like है कंट्रोलिंग है डायरेक्टिंग है सुपरवाइजिंग है, है तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम किस पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन फंक्शन पे जब हम इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है तो देखिए प्रोडक्शन जो नॉर्मली नेम से सजेस्ट होता है प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी गुड्स है या कुछ भी है जिसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्शन हो रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है ये नया गुड्स या नई चीज़ें प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो जहाँ पर हम मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को इन प्रोडक्शन फंक्शन में इस गुड्स को क्रिएट करने में अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट और जो पर्सन ये सब करता है उसे क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का क्या मतलब हो गया कि कब करना है कितनी क्वांटिटी में करना है कैसे करना है तो वो शेड्यूल पूरा तैयार करेंगे तो ये क्या है एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं शेड्यूल कर रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को जो इन्वॉल्व है किस चीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में उनके प्रोडक्शन में तो उसे वो कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट फोकसेज ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स इन टू द कंपनी फिनिश प्रोडक्ट ये चीज़ एक्चुअली क्या है ये प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रही है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मोन मेन ऑब्जेक्टिव या हम कहें कि फोकस किस चीज़ पे है कि उस प्रोसेस पे जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स के थ्रू या इनपुट्स के थ्रू आउटपुट तैयार कर रहे हैं तो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं उस प्रोसेस पे को मैनेज करना ही क्या कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है राइट right? तो इन दिस प्रोसेस द डिसीजन रिगार्डिंग द क्वान्टिटी क्वालिटी प्राइस पैकेजिंग डिजाइन एट्सेट्रा टेकन बाय दी प्रोडक्शन मैनेजर कि हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कोई फैक्ट्री है तो अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है जो चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करती है तो अब प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होगा कि ये जो चॉकलेट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है इसकी शेप एंड साइज़ चॉकलेट का कैसा होना चाहिए इसकी पैकेजिंग में क्या चीज़ करना है इसका डिज़ाइन कैसा होगा इसकी प्राइस इसकी कॉस्टिंग कैसे है कि जिससे हम इसकी प्राइसिंग फिक्स कर सकें तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो कौन लेगा प्रोडक्शन मैनेजर क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट का प्रोडक्शन कौन करवा रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है राइट right? तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रीस पल है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर देगा कि जब चॉकलेट्स को इसके रॉ मटेरियल को और चॉकलेट तैयार होने तक का जितना भी पूरा प्रोसेस है वहाँ पे ये जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लगाएगा दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो अब हम देखते हैं कि फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं बहुत ज़्यादा ही इंटर रिलेटेड हैं लेकिन इनके बीच में कुछ बेसिक्स डिफरेंस है तो अब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है इट इम्प्लाइज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंप्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम मैनेज कर रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड कर रही है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करती हैं जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उन पे जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट अब देखिए बिज़नेस एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है प्रोडक्शन करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को कहाँ पर रखना है कैसे उसको कस्टमर्स तक पहुँचाना है तो ये सब चीज़ें जो मार्केटिंग उसका डिलीवरी करना है उस गुड्स की वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं ऑपरेशनस में आ जाती हैं तो इसीलिए क्या कहा गया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है उन जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं एक दिन में जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है सो इट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो कि मैनुफैक्चरिंग किस चीज की होती है गुड्स की मैनुफैक्चरिंग होती है टेंजिबल जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं उनको मैनुफैक्चरिंग में रखते हैं तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का उनको मैनुफैक्चर करना सर्विसेज को प्रोवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसे हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट सो इट डील्स विद डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर तो यहाँ पे जो आ, अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं मीन्स जो ऑपरेशन मैनेजर होगा राइट right? जो भी ये काम करेगा दैट इज ऑपरेशन मैनेजर तो ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है प्रोडक्शन फंक्शन को प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कर रहा है उसको भी वो करेगा डिजाइन करेगा कि कितना करना चाहिए कैसे करना चाहिए इंप्लीमेंट कराएगा कंट्रोल करेगा इसके अलावा जो भी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उनका सही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए हमें चाहिए मींस कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन तक डिलीवर कराना भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है तो अगर इन ट्रग्स कहा जाए तो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी देखता है साथ ही प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे कस्टमर तक तो पहुँचाना है उसकी भी चीज़ों को भी ऑपरेशन मैनेजमेंट डील करता है राइट सो नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज ये क्या है उन activities, कुछ एक्टिविटीज का सेट है जो गुड्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है क्रिएट करने का इन द सेंस क्या हो गया गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने का मतलब यहां पे हो गया जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनको भी देख रही है है ना उन एक्टिविटीज को क्रिएट करना थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इंटू आउटपुट ये सब कैसे होगा इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करके ही प्रोडक्शन uh, होता है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सारी एक्टिविटीज के सेट को कहते हैं राइट सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा क्योंकि ऑपरेशन operation, सारे ऑपरेशन ऑपरेशन operation मतलब जो भी एक्टिविटीज सब आ गया उसमें प्रोडक्शन भी आ गया मार्केटिंग भी आ गया सेलिंग का भी काम आ गया सारी चीज़ें आ गई वहाँ पर तो वो सारे ऑपरेशन को डील कर रहा है राइट तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बाई द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के सारे ऑपरेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना ही क्या कहलाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट राइट right. तो हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की मीनिंग डिस्कस कर ली अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फर्स्ट है रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन तो जब हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारा रिजल्ट होता है जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक वैल्यू एडिशन के साथ होता है मीन्स अगर हमने रॉ मटेरियल को लिया या फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया लैंड लेबर मशीन को तो वहाँ पर जब हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं उस पर ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वो वैल्यू एडिशन के साथ ही होता है नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरडिस्प्लिनरी अप्रोच तो इंटरडिस्प्लिनरी अप्रोच कहता है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी पूरा सिस्टम है वो सैक्रोसेशन में नहीं चलता मींस वो अकेले वर्क नहीं करता है वो उनका एक दूसरे डिपार्टमेंट पे इंटरलिंक्ड होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं क्यों क्योंकि मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट परचेस डिपार्टमेंट को बतानी पड़ेगी परचेस डिपार्टमेंट उसको मटेरियल को मंगवाएगी तो मतलब हर पूरा सिस्टम जो, जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है सिमिलरली ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी जो मार्केटिंग है सेलिंग है पैकेजिंग है ये सारी चीज़ें जो है वो डिलीवरी का है जो लॉजिस्टिक uh, मैनेजमेंट है पूरा पूरा वो ये डिपेंड करता है कि भाई प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है कैसे करना है उनकी पैकेजिंग और किस तरह के मटीरियल है उनको कैसे हैंडल करना है तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट या हर एक चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट 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 तो प्रोडक्शन ऑपरेशन क्या है जनरल का ही एक पार्ट है क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं प्रोडक्शन में हम क्या कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको अप्लाई करते हैं कि इनपुट को आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है उस वक्त हम मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं वहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम जितने भी डे डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्शन से लेके और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें जो भी हैं उन सब में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है मैनेजमेंट का पार्ट होता है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का नेचर है कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्यों ट्रांसफॉर्मेशन क्यों का क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके एक आउटपुट रेडी कर रहे हैं तो ये इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है तो बेसिकली transformation process. प्रोसेस है आपकी इनपुट को एक नए आउटपुट में एक प्रोडक्ट में एक फिन गुड्स में उसको रेडी करने का है नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन तो ये कोई थेरेटिकल फंक्शंस नहीं होते हैं इनका नेचर थेरेटिकल नहीं होता है हर एक चीज़ प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है ऑपरेटिव होता है वर्क में होता है कि इन्वेंट कैसे कंट्रोल करनी है प्रोडक्शन को कैसे करना है प्लांट्स का कैसे करना है लोकेशन कहाँ पर सेट करनी है या जितनी भी चीज़ें हैं या हमें ट्रांसपोर्टेशन का कैसे हैंडल करना है ये जितने भी वर्क होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं प्रैक्टिकल व्यू पे होते ऑपरेटिव होते हैं तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो कैसा ऑपरेटिव फंक्शन का होता है प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर होता है 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 और ये कैसा है? इनका कैसा इनका नेचर आर्ट एंड साइंस तो प्रोडक्शन एंड एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आर्ट साइंस बोथ होते हैं क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ होता है तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आर्ट एंड साइंस बोथ होगा क्यों होता है आर्ट एंड साइंस का मतलब तो क्योंकि आर्ट क्या होती है आर्ट में हमें प्रिंसिपल्स रूल्स पता चलते हैं वे ऑफ डूइंग किसी चीज को हमें कैसे करना है हमें यह पता चलता है तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू हमें होता है कि काम कैसे करना है हम पूरी शेड्यूलिंग राउटिंग ये सब सेट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वगैरह में तो हम पूरा आर्ट देखते हैं कि कैसे कैसे काम होगा और ये साइंस क्यों है क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशनशिप को बताता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा इसलिए होगा हमें अगर इतना है इतनी हमें इस तरह की क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल ऐसे चाहिए इस क्वान्टिटी में चाहिए तो वह पूरी तरीके से हमें साइंस का इफेक्ट देता है कि कॉज एंड इफेक्ट ऐसा करना है तो ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा और हमें एक रूल जैसे साइंस में थम रूल होते हैं तो प्रिंसिपल्स होते हैं कि इसी की तरीके से वर्क होगा तो ये चीज हमें यहां पे पता होती है कि पूरी चीजें प्लान होती हैं और ऐसे ऐसे काम करना है वो सारी चीजें यहां पर शेड्यूल डिसाइड होती है कब किस टाइम पे कैसे काम होना है तो इसलिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है आर्ट एंड साइंस बोथ होते हैं राइट right? अब हम बात करते हैं किसकी स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें ये एरिया कौन कौन से एरिया को कवर किया जाता है अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इनके वर्क एरिया में आती हैं जिसमें ये काम किया जाता है पूरे इस प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो क्या क्या होता है तो जैसे फर्स्ट है फैसलिटी एंड प्लांट लोकेशन तो ये क्या है ये फेजिबिलिटी एक तरीके से होता है कि अगर हम अपनी फैक्ट्री को या अपने प्लांट्स को हम फिक्स कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं तो उस वो कहाँ पर किस लोकेशन पर होगा उसका ले पूरा हम डिसाइड करते हैं हम ऐसी जगह पर चेक करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल सप्लायर मार्केट ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ अवेलेबल हो तो प्लांट्स को कहाँ पर सेटअप करना है मशीनरी से कैसे रहेगा फैसिलिटीज़ की फिजिबिलिटी है इस तरह से इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करके प्लांट लेआउट होता है या हमारा जो प्लांट का लोकेशन है वो सेटअप होता है तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं नेक्स्ट हमारा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग तो अभी प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग क्या हो गया कि देखिए जो भी हम चीज़ें ये सेट कर रहे हैं या मटेरियल्स क्योंकि तो जो हम क्वांटिटी वगैरह मंगा रहे हैं मटीरियल्स के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो पूरी हमारी सेटअप होनी चाहिए जिन मशीन्स है जो इक्विपमेंट्स हम अरेंज कर रहे हैं उन्हें उन्हें किस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो प्रोडक्शन साइकिल है वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना करे या इस तो पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े वो कीप गोइंग हो मतलब वो चलता ही रहे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरीके से रुकावट ना आए तो जो इफिशियट प्लांट लेआउट होना चाहिए प्रॉपर मटीरियल हैंडलिंग का मैकेनिज्म

मटेरियल हैंडलिंग का भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वो सब भी यहीं पे देखते हैं क्योंकि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये है ना आपका पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चीज़ें हैं तो बट ऑब्वियस बात है ये सब चीज़ें उसके वर्क एरिया में आएंगी जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी तरह से एडवर्स इफेक्ट ना हो और ऑपरेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो स्मूदली रन करती रहे नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या हो जाता है हमारा एक तरीके से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हम इसे कह सकते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पूरा करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी होनी चाहिए किस तरह से उसका डिज़ाइन uh, होना चाहिए पूरी इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वो चीज़ें हम यहाँ पे वो भी यहाँ पे स्टडी की जाती है आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर पूरा डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट्स का लेआउट कैसा हो कैसा उसका फॉर्म होना चाहिए शेप एंड साइज कैसी होनी चाहिए है ना तो पूरा जो भी टूल्स है जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड आपके डिसीजनस हैं जो उसके लिए जो आपको इंस्टॉल करना है इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करनी है पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ अगर आप चाह रहे हो तो उस तरह के शेप एंड साइज के लिए कोई इक्विपमेंट्स हैं तो ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप डिसीजन लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पे उस चीज़ को रखता है और उन सबकी एक्सपर्टाइज के लिए जिस का स्टाफ लेवल चाहिए वो सब भी यहाँ पे मैनेज करने की बात की जाती है तो पूरा प्रोडक्ट सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि जिससे प्रोडक्ट डिजाइनिंग अच्छे से हो सके पूरा प्रोसेस स्मूथ हो सके मोशन स्टडी की जाती है टाइम स्टडी की जाती है पूरा ऑप्टिमल लेआउट प्लांट का देखा जाता है यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या हो जाता है देखिए इसमें बेसिकली राउटिंग शेड्यूलिंग एंड लोडिंग की चीज़ों को ध्यान पे दिया जाता है तो ये चीज़ इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन है कब करना है कैसे करना है किस उसको पूरा प्लान किया जाता है और प्रोडक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे कंट्रोल किया जाए इन सब चीज़ों का यहाँ पे काम होता है देखिए राउटिंग जो तो बेसिकली क्या हो गया रूट डिसाइड करना कि प्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाएगा किस तरह से काम करना है शेड्यूलिंग कब किस टाइम पे काम करना है मतलब हर एक चीज़ का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा लोडिंग किस मशीन पे कितना लोड देना है मतलब मशीन ए से 100 यूनिट निकालने हैं मशीन बी से 200 यूनिट निकालने हैं तो इस तरीके से पूरा प्रोडक्शन को प्लान कर लिया जाता है कि काम कब होगा कैसे होगा किस पे कितना करना है किस मशीन से कैसे रिजल्ट हमें चाहिए वो पूरी चीज़ें हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में देखते हैं और ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आता है नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी क्वालिटी कंट्रोल की तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्वालिटी जो फाइनल प्रोडक्ट आपको जिस स्पेसिफिकेशन के साथ रिक्वायर्ड है वो उसी स्पेसिफिकेशन के साथ मेंटेन रहे तो इसके लिए क्या होता है पूरा नस, जो सिस्टम जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो पूरा तरीके से प्लान किया जाता है उसे प्लेस किया जाता है जिससे कि क्या हो सके कि अगर कोई भी डिफिशेंट प्रोडक्ट है मींस कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो वो किसी भी तरीके से शिप्ड ना हो कस्टमर तक मतलब कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर तक ना जाए जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ और जिस जिस क्वालिटी के साथ हम प्रोडक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुँचे तो क्वालिटी को सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं कि इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफॉर्म कर देना और काम ख़त्म हो गया बल्कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हमने कर रखी है ये भी मैनेज करना प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है इसे हम कहते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करना नेक्स्ट हो हो गया गया मेंटेनेंस मेंटेनेंस मैनेजमेंट मैनेजमेंट और का मतलब क्या हो गया? कि आप जो फैक्ट्री लेआउट रखे हैं जो प्लांट लेआउट आपका है जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है या जो पूरी प्लानिंग आप करके रखे हैं प्लांट्स वगैरह से मशीन से रिलेटेड तो वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे कहीं पर कोई रिपेयरिंग का वर्क है या कोई भी इशूज हैं स्मूथ वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना मैनेज करना भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आता है तो बेसिकली ये सारे क्या हो गए हमारे स्कोप हो गए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो यही स्कोप आप चैप्टर वाइज इन सबको पढ़ते हैं कि प्लांट लेआउट कैसे होगा मटेरियल हैंडलिंग कैसे होगी प्लांट लोकेशन का कैसे होगा प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसा होता है ये सब चैप्टर वाइज आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं बेसिकली ये क्या है ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आते हैं जिनको आपको पढ़ना है और स्टडी

प्लान करना उनको शेड्यूल करना उनको कंट्रोल करना उनको एडमिनिस्टर करना प्रॉपरली क्या कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहीं बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो यहाँ पे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन है किस चीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का तो है ही है साथ ही कस्टमर तक उसको पहुँचाना डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग डिजाइन क्वालिटी क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैनुफैक्चर बाय द डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं लाइक like आपने देखा ना वहाँ पे कि uh, चॉकलेट साथ तो चॉकलेट जब प्रोड्यूस हो गया उसके डिज़ाइन उसकी क्वालिटी सब कुछ तो वो काम किसने डिसाइड किया उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसका था प्रोडक्शन मैनेजर का था कि इस तरह के डिजाइन होने चाहिए इसकी कॉस्टिंग इतनी की होनी चाहिए क्वालिटी ये होनी चाहिए इतनी क्वान्टिटी प्रोड्यूस करनी है ये सब प्रोडक्शन मैनेजर का, का काम था लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की तो ऑपरेशन मैनेजर ये तो देखता ही देखता है कि प्रोडक्ट डिजाइन क्या है उसकी क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है किस प्रोसेस से वो होगा ये सब तो जो चीज़ें थी प्रोडक्शन मैनेजर की वो तो एडमिनिस्टर कर ही रहा है वो तो करेगा ही करेगा साथ ही वो क्या देखेगा लोकेशन लोकेशन दिस इज कि फैक्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए लोकेशन क्या होगा फैक्ट्री का लॉजिस्ट मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है कितने लोगों की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होगा वहाँ पे स्टोरिंग कैसे करेंगे कैसे मेंटेनेंस रखनी है लॉजिस्टिक कैसे होगा मीन्स कि हम उसकी डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम क्या चीज़ देख रहे हैं गोदाउन तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा जो स्टॉक्स तैयार हुए हैं जो फिनिश गुड्स तैयार होगा उसको कहाँ पे मैनेज करा रहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करानी थी कितना ऑर्डर दोबारा देना है कितना मेनटेन करके रखना है वो पूरा मैनेजमेंट भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो वो भी मैनेज करेगा तो ऑपरेशन मैनेजर ये सारे काम करेगा जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल लिया था फैक्ट्री के केस में कि जब अगर चॉकलेट का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम सिर्फ इतना सा था कि चॉकलेट को प्रोड्यूस करना राइट सेफ्स क्वांटिटी क्वालिटी इन सबको देखते हुए कॉस्टिंग देखते हुए उसको प्रोड्यूस करना यहाँ का काम जैसे ही चॉकलेट प्रोड्यूस हो गए चॉकलेट बन तैयार हो गए तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का काम खत्म हुआ लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात कर रहे हैं तो वो ये तो देखेगा देखेगा कि प्रोडक्शन कैसा हुआ है प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या काम किया वो तो देखेगा देखेगा साथ में अब ये भी देखेगा कि जो प्रोडक्शन हो चुके हैं जो फिनिश गुड्स हमारे पास हो गए इनकी इन्वेंट्री कैसे रखनी है मतलब इनका पूरा मैनेजमेंट करेगा कि कहां तक वो स्टॉक मेंटेन कराना है, उन स्टॉक को गोदाउन तक कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है उसकी पैकेजिंग वगैरह कैसे करनी है वो सब भी वो क्या करेगा ऑपरेशन मैनेजर देखेगा नेक्स्ट डिफ्रेंड डिफरेंस देखते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन द फॉर्म्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अंडरटेकिन तो जहाँ कहीं भी टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हों जहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा हो सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत होगी मतलब उन फैक्ट्रीज में जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर की जरूरत होगी लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ज़रूरत होगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी हैं सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं तो ये बैंक हॉस्पिटल एजेंसीज, फर्म्स फैक्ट्री हर जगह इनकी जरूरत होती है और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड दी राइट क्वालिटी गुड्स इन द राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम एंड बेस्ट प्राइस तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि राइट क्वालिटी गुड्स मतलब सही क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का गुड्स सही टाइम पे और सही क्वान्टिटी में और एक बेस्ट प्राइस पे आपको प्रोडु, प्रोडु, आपको अवेलेबल कराएगा आपको मीन्स कि कंपनी को अवेलेबल कराएगा जिससे कंपनी उससे प्रॉफिट गेन कर सके लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की तो उसका मेन एम क्या होता है कि बेस्ट

प्रोडक्शन मैनेजर का एरिया क्या है थोड़ा नैरो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से ऑपरेशन मैनेजर का ही इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं लेकिन अगर दोनों को डिफरेंशिएट करने की बात है तो हम इन बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अगर हम इनके अगर हम समप करें इन सब चीज़ों को एज अ कॉन्क्लूजन हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो कवर करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है जो गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं साथ ही सर्विसेज के डिलीवरी में लाइक like, आप ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज हैं है ना उनका कस्टमर्स तक पहुंचाना हुआ इन्वेंट्री को मैनेज करना हुआ ये सब चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं जैसे कि मटेरियल मैनेज करना क्वालिटी मैनेज करना मेनटेन करना प्रोसेस को मैनेज करना डिज़ाइन को प्रोसेस करना या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना ये सारी चीज़ें वहां पर आ जाती हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर तो आई होप आपको यहाँ पर प्रोडक्श प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा सो यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच